विश्व की सबसे बड़ी किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उर्वरता उत्पादन एवं विपणन के साथ मिट्टी की उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफको ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफको कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफको नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम एक बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफको नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ, घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफको नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा जारी नैनो एग्री इनपुट के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि DBT भारत सरकार और FCO 1985 भारत सरकार द्वारा ICAR, KVK और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा ये भी प्रमाणित किया गया है कि इफको नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ यूरिया की बढ़ती मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकेगा। इफको नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है, जो सब्सिडी वाली यूरिया के एक बैग के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे खेती की लागत कम होती है और इसका प्रयोग शुष्क भूमि और संरक्षित खेती में भी किया जा सकता है। इफको नैनो यूरिया के प्रयोग से भारत सरकार की हजारों करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की बचत हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों SAUs द्वारा किए गए फसल परीक्षण के परिणाम ये बताते हैं कि इफको नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान को लगभग 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी
उर्वरक आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय एवं सब्सिडी के खर्चों को भी कम करने में सहयोग मिलेगा। इफको नैनो यूरिया देश के उस सपने को पूरा करता है जिसमें नवीन तकनीक और स्वदेशी कृषि उत्पादों से भारत की कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इफको नैनो यूरिया का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर अधिकतम किसानों तक पहुंचाना है। ये विशिष्ट एवं प्रभावी कृषि आदान के रूप में फसल एवं आहार पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम है।